नमस्कार साथियों, आज है 25 जून। तो 25 जून के सभी शैक्षणिक समाचार हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। GNM ग्रेड सेकंड की भर्ती में एक पद रिक्त रखने के हैं निर्देश। प्रयोगशाला सहायक सीधी भर्ती परीक्षा के लिए निःशुल्क यात्रा सुविधा वो रखी गई है। यहाँ पर विश्वविद्यालयों में एक समान पाठ्यक्रम तैयार करने के निर्देश। संविधान दिवस से पूर्व बनकर तैयार हो जाए संविधान पारक, राज्यपाल ने ऐसा वो कहा है। RPSC ने संशोधन का वो मौका दिया। वन टाइम रजिस्ट्रेशन डाटा में नेक्स्ट स्टाफ के लिए PTI के पदों पर निकली बंपर वैकेंसी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने योग्य आवेदकों से मंगवाए हैं आवेदन। 5546 कुल पद है वो रखे गए हैं इसमें। पहली से आठवीं कक्षा की पढ़ाई में बड़ा बदलाव। 4 पीरियड पिछली 2 क्लास के लगेंगे, 4 नई कक्षा के होंगे। अब तक शुरू नहीं हुई pre-DL.ED की आवेदन प्रक्रिया, इस बार भी 2 साल का कोर्स 3 साल में होगा पूरा। कांस्टेबल भर्ती 2019 का रिव्यू परिणाम घोषित। PTT की परीक्षा में 26 केंद्रों पर बैठेंगे 12,090 अभ्यर्थी। प्रवेश पत्र की जारी परीक्षा 3 जुलाई को होगी। परीक्षा आवेदन की अंतिम तिथि है आज। ANMMS परीक्षा कल 22 केंद्रों पर 5595 परीक्षार्थी पंजीकृत। QR कोड स्कैनर से भी मिल सकेंगे प्रवेश फॉर्म। कक्षा 10वीं और 11वीं में अंग्रेजी माध्यम में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ। 211 और सरकारी स्कूल MG तथा विशेष अंग्रेजी स्कूलों में रूपांतरित। नेक्स्ट राजस्थान विश्वविद्यालय की खबर है। पिकअप करते और सहित अन्य 9 परीक्षाओं के परिणाम घोषित। फिर 49,100 आवेदकों में से 16,211 आवेदकों को ही मिली छात्रवृत्ति। 17,188 आवेदकों के बिल तैयार। 1705 आवेदन कार्यालय में हैं लंबे। राजकीय कॉलेजों में प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन 27 से होंगे शुरू। कॉलेजों में प्रवेश के लिए 27 से भरे जाएंगे ऑनलाइन आवेदन। सरकारी स्कूलों में 1 जुलाई से शुरू होगा शिक्षण कार्य। आज के समाचार यहीं से हो तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।